गुड मॉर्निंग बल्लू जी। राम राम जी। सुट्टा चल रहा है? हाँ। क्या बात है। मैं अभी अपनी फैक्ट्री हूँ और मैं फैक्ट्री इसलिए आया हूँ गाइस क्योंकि मेरे को जो ये वाले डिब्बे है ना, ये वाले डिब्बों को शॉप पे पहुँचाना है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार ये डिब्बे क्या काम आते हैं। ये एक्चुअली हमारा काम है और ये है हमारी फैक्ट्री। भाई ये है कुट्टी मशीन। आप लोग यार क्या जानोगे इन मशीनों के बारे में। ये हमारा काम है, ये यूपी एमपी महाराष्ट्र बिहार हर जगह सप्लाई होती है और जो किसान लोग हैं उनको ज़्यादा पता है इन मशीनों के बारे में। सो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना डेली रूटीन शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से जो मेरा काम था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मशीनें मतलब कि मैं बता फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये मशीनें किस काम आती हैं। ये मशीनें एक्चुअली जो फसलें होती हैं ना उनको तूड़ी, जैसे भैंस वगैरह गाय वगैरह होती है वो तूड़ी वगैरह खाती है, तो ये तूड़ी बनाने के काम आती है गाइस। पहले वो हाथ से चलाने वाली होती थी तो अब ये ट्रैक्टर से चलने वाली बन गई है। जो छोटे डिब्बे मैंने आपको दिखाए थे वो तो थी कुट्टी मशीन। और ये देखो गाइस ये जो बड़ा डिब्बा है इसको बोलते हैं कटर थ्रेशर मशीन। कटर थ्रेशर मशीन मैं बताऊँगा किस काम आती है। जो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा या जो भी फसलें होती हैं ना, इवन सब फसलों को निकालने के लिए ये वाली मशीन काम में आती है गाइस। ये भी उसका डिब्बा है। अभी पूरी मशीन कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। पहले हमारी फैक्ट्री में डिब्बे तैयार होते हैं, फिर वो शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाके वो तैयार होती है कंप्लीट मशीन। कंप्लीट मशीन की फ़ोटो मैं देखो यहाँ पे अभी डालूंगा। ये कंप्लीट मशीन होती है। बल्लू जी है हमारे वॉचमैन, वो फैक्ट्री का थोड़ा सा केयर करते हैं। तो ये देखो यार यहाँ पे ये जो हमने पार्किंग बनाई है ना थार की, भाई ये अभी थोड़ी सी ना उजड़ा चमन हुआ पड़ा है। और बहुत जल्दी यार मेरा एक दिल से वो है कि मैं ना पुष्पा की पार्किंग को बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा बनाऊं। तो मेरी पूरी कोशिश है जल्दी मैं मतलब कि अभी अलवर जाऊंगा, शायद आज तो चक्कर नहीं लगेगा बिकॉज पुष्पा दिल्ली गई हुई है और वरना को लेके जाने का मन नहीं है। तो ये वाली जो पार्किंग है ना इसको मैंने मतलब एक सिद्धू मूसे वाला जोन बनाना है क्योंकि मैं एज अ बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसे वाला, तो मैं इसको बहुत ही अच्छा जो ये वाला एरिया है ना, ये एक दो और तीन, ये जो तीसरा पिलर है इस पिलर तक एक बहुत ही अच्छी पार्किंग बनाने वाला हूँ और बहुत स्पेशल पार्किंग होगी वो मेरे लिए। थार की वॉशिंग का सिस्टम भी ना हमको यहीं पे लगाना है। यहाँ पे क्यों लगाना है? बिकॉज यार कहीं वॉश करवाने जाओ ना तो उनका पानी होता है खारा, खारे पानी से ना भाई वो सारी जंग पकड़ जाएगी। और काफ़ी जगह से मैंने ना जब वो सर्विस करवाने गया था तो मैं नीचे से देखा था कि यार नीचे से ना एक दो जगह जंग लगे हुए थे और जहाँ से पेंट हटा हुआ है हल्का हल्का था वहाँ पे भी जंग लगा हुआ था। तो भाई यार हमारा जो बोर है उसका मीठा पानी है तो अपन भी मीठे पानी में अपनी थार को खुद ही वॉश कर लिया करेंगे। ये गाइस हमारी फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री के बगल में ये जो खेत है ये भी हमारा ही खेत है और जो पीछे वाली साइड वो वाला खेत है, वो पीछे वाली साइड दिख रहा है सारा, वो भी हमारा ही खेत है। सो अभी सून एक प्लान हो रहा है कि यार जो ये वाली जगह है ना इन फ्यूचर, चलो इसमें तो जो करना ही है, बट आगे वाली वो जगह है जो ये गेट से इधर वाली जगह है, इस वाली जगह में यार मैंने ना घास उगानी है और घास उगा के मतलब अपने खुद के लिए एक पर्सनल पार्क बनाना है। अच्छा सा पार्क बनाएंगे और भी सर्दियों का मौसम है, यहाँ देखो कितने अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं। तो यार यहीं पे आराम से अपनी फैमिली के साथ इवनिंग में आ जाओ, अपना एंजॉय वगैरह कर लो। इधर घास उगाएंगे, इधर चारों तरफ पेड़ उगाएंगे। सो गाइस अगर यार आपके पास कोई नंबर है अच्छा सा किसी का जो घास वास उगाता हो और जो पेड़ वगैरह लगा दे तो यार उसका नंबर मेरे को अवेलेबल करा देना इधर कमेंट में। आई डोंट नो आपने कभी मूलियाँ उगती हुई देखी कि नहीं देखी, बट मैं आपको दिखा दूँ। देखो इधर मूली का जो पौधा होता है ये गाइस देखो ये सारी इधर मूलियाँ उगी हुई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी इसका जो पत्ता है ना भाई, ये पत्ता भी हम खा सकते हैं। बल्लू जी अपनी सब्जियाँ खुद उगानी है? खुद ही उगाएं। ठीक है ना, एक मूली मूली से उपारना पड़ेगी। दस दिन हो गए यार जोतवा के चक्कर में, अब सब्जी तो जोतवा के चक्कर में मैं हल ले आऊंगा और जोत लेगा। हल रखो देखो, ठीक है ना, अपनी सब्जी खुद उगानी है अब ना। तो मैं खुद ही, मैं तो दस दिन होगा खेते खेते। मुझे बता दो कौन कौन सा बीज लाना, मैं ले आऊंगा। बीज तो रखा है मेरे कने। अच्छा कौन कौन सा? खाली वो सारी चीज रखी है। बीज कौन कौन सा है? बीज है, मूली है, गाजर है, धनिया है, मेथी है, अच्छा पालक है, अच्छा और भाई बैंगन उंगन की। हाँ तो फिर कल अपन करेंगे, ठीक है ना, कल मैं कर दूंगा, मुझे बता दीजिए क्या करना। तू तो खाली जोत दे बस और काम दे ना कर बाबू। अब सब्जी घर की खाएंगा हम, बात ही है बिना स्प्रे वाली। अभी क्या है ना, मैं बल्लू जी से बात ही कर रहा था, बल्लू जी हमारे वॉचमैन तो वो खेती भी जानते हैं। तो यार इधर को ना हम सोच रहे हैं कि सारी अपनी खेती ना जो हम मतलब सब्जियां वगैरह खाते हैं सारी सब्जियां हम खुद ही उगाएंगे आपसे, तो क्या एक प्योर सब्जी हमको मिलेगी
मार्केट में आजकल जो सब्जी आ रही है यू नो कैसी आ रही है यार। अभी बहुत सारी बातें मार ली और बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं फैक्ट्री करने गया था, फैक्ट्री में डब्बे लेने आया था। पापा का फोन आ गया, गालियां दे रहे हैं। पापा कह रहे हैं भाई तू गया था डब्बे लेने, तू कर क्या रहा है? तो भाई मैं फटाफट से डब्बे लेके चलता हूँ भाई अपनी शॉप पे। ऑलमोस्ट मैंने 13 चक्कर लगाए हैं अपनी फैक्ट्री से शॉप पे और शॉप से वापस फैक्ट्री, और मेरी शॉप मेरी फैक्ट्री से करीबन 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 200 मीटर के आसपास। तो मतलब कि 13 दुना 26 किलोमीटर मैं अब तक ट्रैक्टर चला चुका हूँ। 10 बजे मैं लगा था कुट्टी मशीनों को, ये डिब्बों को यहाँ से अपनी शॉप तक ले जाने के लिए, और अभी बज चुके हैं 12:30। यानी 1.5 घंटे में 26 किलोमीटर का सफ़र हमने ट्रैक्टर पर तय किया है गाइस, विच इज़ वेरी गुड। और भाई सीरियसली कमर की भी बहुत बज चुकी है बैंड, क्योंकि ट्रैक्टर यार जंप ही बहुत करता है ऐसे ऐसे। इसके टायरों में शोकर भी नहीं होते, एक सीट में शोकर होता है और वो इतना ज्यादा फुदकता है ना भाई बड़ी बुरी तरह। सब्जी वाले आई, सब्जी वाले आंटी सब्जी 40 रुपए दवा ले, नुकसान कराता तुझे मेरा क्या है? सब्जी सही रेट लगाए कर। 120 मम्मी दे सर दे टिंडे मारो। गुड आफ्टरनून। मरूद खा रही है अमरूद। मम्मी लंच खाना है, मनु भूख लगी रोटी तो लियाओ। आज आपके बेटे ने पूरा 1.5 घंटा ट्रैक्टर चलाया है, ट्रैक्टर डब्बे ले गया है फैक्ट्री तो। ओहो मन लगा गालियां पैन गया। यूट्यूब मम्मी ने ना हमको बेटी माना, बहु माना ही नहीं। गुड आफ्टरनून गाइस। चा की हाल है? अरे गुड अनहद तू आ गया, चाचू को तो मिला ही नहीं है। ट्रैक्टर चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। वाओ अनहद मैं जाऊं? नहीं। अच्छा मैं नहीं जाऊं? बाय चाची। अनंत क्या चाची जाओ, चाची जाओ स्लैब खा लो, दोनों खाओगे मिलके। मैं भी जाऊं? नहीं। अच्छा मैं ना जाऊं ना? चाची चाचू अच्छा है ना? हाँ तो हाँ दे की है हाँ दे कितनों की तोड़ रहेगा तुम? बेकार हूँ मैं।
तेरा यार हूँ। गाइस यार मेरा शौक था कि मैं सिंगर बनूं और मैं गिटार बजाना सीखूं, बट ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पर भाई कोई गिटार सिखाता ही नहीं है। और मैंने भाई ये जितना भी गिटार सीखा है ना, मैंने अपनी तरफ से यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब पे भाई मैं इतनी कोशिश करता था ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, आपसे 3-4-5 साल पहले की बात है, बहुत प्रैक्टिस करी थी मैंने इससे यूट्यूब से सीखने की। बट वही है कि जहाँ तक सीख पाते हैं वहीं तक सीख पाते हैं, उसके बाद काम वाम चालू हो गया, फिर काम वाम में लग गए और सारा शौक जो सिंगिंग का और गिटार का शौक था वो वहीं रह गया। आप वो लग रहे हो मरीज। हाँ, सिर दर्द नहीं हो रहा, ये कपड़े भी मरीजों वाले लग रहे हैं। हमने अपने घर पे मंगवाई है देखो फिश मसाज। मम्मी को करके देखते हैं, मम्मी करके देखे आपको नकते वधिया चीज है आराम नहीं मिल रहा तुम नहीं मिल रहा मैंने ट्राई नहीं करी चूड़ ना बोलो नहीं मिल रहा मेरा नाम हैं मम्मी ने लिया की ले यार इतनी मजे इतनी बढ़िया चीज है ना इतना मजा आ रहा है मंदिर गर्दन दे करो ना यार ऐसे पूरा कमा दें दही होए डोला 1 इंच बढ़ गया मेरा। सो अभी टाइम हो गया यार 2:45 के आसपास और मैं अभी रेडी होता हूँ फटाफट से जिम के लिए। अभी आधे घंटे बाद जिम जाना है, मेरे को ज्वाला भी पीना है। ये ज्वाला गाइस इसका नाम ज्वाला है। आज मैं करने वाला हूँ चेस्ट की एक्सरसाइज और मेरे साथ कौन कर रहा है देखो ये फटी बहन करो। अभी वेट कितना हो गया मेरा 96.2। सो एज यूजुअल गाइस 4 एक्सरसाइज वेट बढ़ा बढ़ा के। मैं हमेशा 4 एक्सरसाइज करता हूँ, मैं प्रेफर भी 4 एक्सरसाइज करूँगा बिकॉज 40 या 45 मिनट की एक्सरसाइज बहुत होती है, इससे ज़्यादा तो आप फिजूल अपनी ना बॉडी को तंग ही कर रहे हो बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही करेंगे वार्म अप। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. पहले जिम करता था ना, मैंने 100 या 90 तक मैंने लगा रखी है और अभी मैंने 40 करी है, बट 40 भी इनफ है मेरे लिए।
एक्सरसाइज के हमने अभी चार सेट लिए हैं और चार सेट में 12, 8, 8 और 6 करके हमने रैप्स लिए हैं। सो अभी 2 एक्सरसाइज और बाकी हैं। हमारी हो गई कंप्लीट। अभी टाइम है प्रोटीन लेने का। जिम अपनी कंप्लीट हो गई और अपन निकल चुके हैं। कंपटीशन दिया मेरे को, मानना पड़ेगा भाई को, कंपटीशन में एक नंबर में था भाई। डेविड जी जान दे मेरे बुगाटी की तो लीती थी भाई। ये साइकिल का शौक ना मेरे को नया नया चढ़ा। अभी साइकिल लेके आया था भाई मेरा और उसने एक दिन चलाई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, न्यू साइकिल न्यू लाइफ बिगिन। ओह माय गॉड, साइकिल मैं ही चला रहा हूँ। आज जिम वगैरह हो गई और सारे काम करने के बाद अब मैं आ गया अपनी साइकिल पे और साइकिल को मैं चलाऊंगा 10 किलोमीटर। एंड गाइस एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है ना, अलवर में होने वाला है मत्स्य उत्सव। सो मैं मत्स्य उत्सव को पूरा शूट करने वाला हूँ। सो उसके व्लॉग्स आएंगे 25 तारीख से। 24 तारीख को फर्स्ट डे है तो 25 या 26 को मैं उसका पहला व्लॉग डालूंगा। गाइस बने रहना मेरे साथ। इन्हें ढंग से काट दो और यहाँ से मतलब की अच्छा तरीका से, और हमें पाइप लगा लग जानी चाहिए। What is this? iPhone? काहे टुकर टुकर देखते हो जी? ऐसे टुकर टुकर कहाँ देखते हो? ऐसे इट्स सो बिग। आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था यार। अभी घर आ गए, 8 बज गए और डिनर विनर करते हैं, आराम से सोएंगे गाइस। लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको 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 ठोको, ढंग से ठोक दो, ऐसे ठोक दो। नी मैं इन्ने जोगी है, नी इन्ने जोगी है कि मैनू होर ना तू मार। नी मैं इन्ने जोगी है कि बाय बाय।